स्ट्रीट शॉपिंग में स्टेशनरी मिल रही हो और हम इग्नोर करें, पाप लग जाएगा। ऐसे नहीं कर सकते कि सिजर काम करती भी है या नहीं। नहीं लोगे तो भी चलेगा। Oh my God, I'm just seeing this. स्टेशनरी हॉल्स से ज्यादा पसंद है ना? आई नो, दैट इज वाई। हाई, वेलकम टू एंड अंडर ₹99 स्टेशनरी हॉल। ये तो फुल गॉड सेंट वीडियो है, क्योंकि मैं गई थी क्रॉफर्ड मार्केट कोई और फन वीडियो के लिए, एंड उसमें आई जस्ट हैपन टू सी इतनी प्यारी प्यारी पेस्टल कलर की लॉट्स ऑफ स्टेशनरी की रेकड़िया, नॉट इवन दुकानें बट एक्चुअली स्ट्रीट शॉप। इसमें एक और वेरिएशन था जो हमारे बचपन में हो रही थी ना, ट्रांसपेरेंट एंड सर्क्यूलर लिटिल स्टैकेबल पेंसिल्स। दिस इज दैट बट थोड़ा एडवांस। सो एक बार एक ही निब खत्म हो जाए, देन ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डिटैच इट एंड पुट इट बिहाइंड। हाउ सिक इज दिस? आई एम श्योर कि हर 90s किड को तो ये पता ही होगा, बट आई वांट टू नो दैट इफ यू आर अ 2000s बॉर्न, आपने भी ये सब कभी यूज किया था कि नहीं? बिकॉज दीज आर द कूलेस्ट। बेस्ट पार्ट इज की रिसाइकल कैसे हो जाती है, आपको ये निब्स अलग से भी मिलती है इन द मार्केट, सो यू डोंट हैव टू थ्रो द होल पेंसिल अवे, यू कैन जस्ट पुट न्यू निब्स इन दीज। पूरा पैकेट वॉज अराउंड 50 or 60 rupees, so that makes each pencil only around 10 rupees and they're adorable for that price. Don't worry, location मैंने दुकान का रिकॉर्ड तो किया है एंड माई एक्सपीरियंस ऑल्सो, और क्या क्या चीजें थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जैक्ट लोकेशन दे दूंगी। दिस बर्गर क्वीन फाउंड अ बर्गर। यस, आई लव ईटिंग बर्गर्स एंड व्हेन आई सॉ दिस आई वॉज लाइक दिस लुक्स लाइक अ फ्रिकिंग मिनी लंच बॉक्स, बट ये सील है, रुको मैं इसको खोलती हूँ। तो यहाँ से इट ओपन्स अप लाइक एन एक्चुअल लंच बॉक्स एंड देन ऊपर का बन निकलता है एंड देयर आर टू इरेजर्स इनसाइड इट। देन जब लेटर्स पिक करते हैं, देयर इज जस्ट एन एम्प्टी ट्रे। You know, you can put paper clips or anything else over here. I have not shared that paper clips ke saath hota. And in the end, you have a sharpener, a dual-ended sharpener. So kachra bhi isme collect ho jayega for a while, and it just looks so cute. Burger ke upar thode sesame seeds bhi hai. It has little four legs also to stand on the table. Like, come on. It's adorable. Ye tha 80 rupees ka, but it has a lot of different functions. So फिर हमने देखी ये पेन। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने ये पेन नहीं, हमने ये सीजर वी सॉ लाइंग अराउंड उधर, तो हमें लगा कि ये सीजर सेपरेटली सोल्ड है, बट देन हमने देखा कि ये एक्चुअली इस पेन का अटैचमेंट है। आई थॉट इट वाज सो क्यूट। दिस पेन इज सील्ड राइट नाउ, तो मैंने इसको चेक नहीं किया, बट ये मिंट ग्रीन कलर में है एंड इतना क्यूट छोटू सा बब्बू एस्ट्रोनॉट है इसके ऊपर। वेरी कवाई, वेरी वेरी कवाई। ये 30 rupees का ही था इंक्लूडिंग द सीजर्स, वो आई वॉन्ट टू चेक कि सिजर काम करती भी है या नहीं। A few moments later, I have the society का AGM meeting के paper, so इसी का एज कट करके रखते हैं। It works, but at an angle. I did not expect this to work. Like what? Will it open plastic ke dabbe? Sorry, not dabbe, but packets, food packets. Let me try this, our next stationery product, okay? Let's see if this can open this. Bilkul nahi kaam karta. So this is only gonna work on paper, which is a bummer. Art and craft ka time pe to theek hai, but realistically speaking, the only thing I use scissors for these days is to cut open chips packets, because I can't finish a pura packet ek baar mein, to fir mujhe usko acche se cut karke fir wo nashta ki clip lagani hoti hai. But still, it's quite cute. The mini bananas wala highlighter set, my
गुडनेस, हाँ मैंने भी देखा कि लैवेंडर दो बार आ रहा है, बट फिर भी यार ये बहुत ज्यादा क्यूट थे। ये 120 या 150 रुपीस का था। इसका शेप एक्चुअली काफी एर्गोनॉमिक है पकड़ने के लिए, क्योंकि ये जो स्लांटिंग ऊपर जा रहा ना, इट इज गिविंग अ गुड ग्रिप, सो टू हाईलाइट एनीथिंग इट्स गोना बी अमेजिंग। 120 के हिसाब से भी इट्स जस्ट लाइक 20 रुपीज अ हाईलाइटर, 25 रुपीज अ हाईलाइटर। एंड बेस्ट पार्ट इज इफ यू लाइक जर्नलिंग इन जनरल, देन दिस इज वेरी ट्रैवल फ्रेंडली, लाइक इट्स गोना फिट इन एनी ऑफ योर छोटू हैंड बैग्स ऑल्सो, या स्टेशनरी किट भी आप कैरी करते हो उसके साथ भी, ये बिल्कुल भी जगह नहीं रोकेगा। मॉनसून ऑलमोस्ट चली गई, गणेश चतुर्थी के टाइम पे डेफिनेटली आने वाली है बारिश वापस। सो फॉर वन लास्ट टाइम, पोपटलाल की छतरी इज वॉट वी फाउंड। आई रिमेम्बर की ऐसे शेप में ना कैंडीज आती थी पहले, सो दैट्स व्हाट दिस रिमाइंडेड मी, लेकिन दिस फ्लोरोसेंट ब्यूटिफुल पिंक पेन, हाउ कुड आई इग्नोर दिस। आई थिंक इसकी इंक पिंक नहीं होने वाली है, दैट राइम्ड। इट्स अ ब्लू बॉल पेन, इट्स क्वाइट स्मूथ दो। ये 30 रुपीज की थी और उसमें बहुत सारे कलर्स थे। और वी सॉ दिस किट which looked like Finding Nemo. वो लोग officially they can't print it but they can just dupe it, क्योंकि copyright issue लग जाता है। मतलब बहुत adorable थी because it has three different things. This kit was for 250 rupees or something, but that makes each product still under rupees 100. तो खोलते हैं कैसे को? पहले है ये shark वाली multicolor pen. It has 6 different colors and just the whole aesthetic of this pen is too cute. वो भी बॉल पेन ही है। फिर हमारे पास क्या है? ओह, दिस इज अ करेक्शन टेप। मैं सब मेरे हाथ पे एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही हूँ आज? या आई थिंक वी नीड टू डू दिस ऑन पेपर। इसका ट्रांसपेरेंट एस्थेटिक बड़ा वो कैसेट वाला वाइब दे रहा है। और फिर इसमें आई है एक छोटी सी नोटबुक जिसमें कुछ कुछ तो कटआउट्स है। इसमें कटआउट्स क्यों है? ओह, व्हाट इज हैपनिंग? I don't know if I was supposed to do this, पर मैंने तो ये कर दिया है। अच्छा वापस लगा रहे थे फिलहाल एक बार। ये थोड़ा पजल वाला वाइब्स दे रहा है। प्यारी सी क्यूट हैंडी डैंडी रूल्ड नोटबुक है। There's like a छोटा सा डेट सेक्शन also and a random orange page at the end. Holographic feel है इस पे। छोटू छोटू स्टार्स इसके ऊपर और ये बहुत प्यारा है। तो मैंने तो ये सब एक फिजिकल होलसेल मार्केट से लिया था, विच इज वाई ये प्राइसेस पे मिल गया। तो इफ यू स्टिल वांट टू बाय दिस, तो आई थिंक अमेज़न पे मिल जाएंगे, बट दे विल बी हायर प्राइस। तो आई विल स्टिल लिंक एज मेनी थिंग्स जितने मुझे मिल सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बट अगर आप कभी मुंबई आओ तो क्रॉफर्ड मार्केट जरूर जाना। नेक्स्ट, ये बड़ी चीज पर लास्ट में खोलनी चाहिए, तो आइसक्रीम खा लेते थोड़ी सी। दिस इज एन आइसक्रीम कोन विद 4 स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम which are useless because इसका ना कोई purpose नहीं है। This is just for the aesthetic. It's just like a what do you call it accessory. And आगे से that's where you have the pen. And it has थोड़ा waffle effect, like a swirl effect on the cone. I picked pastel colors क्योंकि मुझे वो vibe बहुत अच्छी लगती है। And ये 30 rupees की थी। फिर है ये yellow highlighter। ये ना हमको बोला था 30 का, but फिर the main owner came and he's like it's for 50 rupees. So ये फिर ले लिया था इसलिए I didn't put it back. But you can totally skip this. You get good quality highlighters, Staedtler के या Camlin के, for cheaper than this. This is just a normal purchase. ऐसा कुछ special नहीं है इसमें। नहीं लोगे तो भी चलेगा। और फिर है ये, I'm sure इसके ऊपर ना कुछ था। Many hours later, we found the missing piece. This is actually a maze. बचपन में अगेन ये बहुत खेला है। एक्चुअली ना हम 90s kids कैसे थे पता है? We didn't have the phone that much. बहुत रेयरली मम्मी या पापा का फोन बोरो करके वो सब रेड बाउंसी बॉल एंड वो स्नेक वाला गेम खेलते। सो दैट वाज आवर टाइम पास इन चाइल्डहुड। सो वी वुड लव प्लेइंग स्टफ लाइक दिस यार, एंड दे डेफिनेटली हेल्प यू डेवलप कॉग्निटिव स्किल्स लाइक बैलेंसिंग एंड थिंकिंग। तो ये जो भी मिनी वर्जन मुझे इसके ऊपर दिख गया, आई वाज लाइक यस। सेकेंडली, द पेंसिल इज लंडन थीम। यहाँ पे बिग बेन है, एक पिंक ट्रॉली बैग है, मैं वही लेकर गई थी, एंड एज अ लिटिल गार्ड बकिंगम पैलेस वाला। तो ये काफी मतलब अप्रोप्रिएट पेंसिल थी। ये 30 रुपीज की ही थी। इफ यू प्लेड दिस बचपन में, देन यू विल एंजॉय हैविंग दिस अराउंड। पेंसिल तो पुश पेंसिल है, जस्ट लाइक द मल्टी कलर्ड वन दैट वी सॉ। यू कैन कीप चेंजिंग लेड्स लाइक दिस। ये बहुत नॉस्टैल्जिक है, चेंजिंग द लेड्स। फिर मैंने ली एक घड़ी क्रॉफर्ड मार्केट से, एंड नो वो मुझे टाइम नहीं बताती। वो घड़ी है ये शार्पनर, सेम प्राइस 30 रुपीज में। ओ माय गॉड, आई एम जस्ट सीइंग दिस, मैंने तभी नहीं देखा था। इसके एक साइड पे है इरेजर एंड दूसरे साइड पे है एक ब्रश, विच आई एम गेसिंग की जो इरेजर से पिलिंग होती है, जो कचरा होता है, आप इसको वाइप ऑफ कर सकते हो
और मे बी यू कैन क्लीन योर कीबोर्ड विद दिस। यार फिर तो 30 rupees के हिसाब से बहुत ज्यादा सही है, पता है। शार्पनर का जो कंपार्टमेंट है वो ऐसे भी खुल जाता है, तो अगर आपको कचरा फेंकना है तो आप ये खोल के कर सकते हो। आई लव दिस, जब एक ही प्रोडक्ट में दो तीन चीजें मिक्स हो जाती है ना, एंड इट्स अ डिफरेंट एंड क्यूट डिजाइन। एक ही चीज है कि ये जो 30-30 rupees वाली रेंज है ना, उसमें थोड़ा डर लगता है कि एक बार में थोड़ा जोर लगाने से टूट ना जाए, सिर्फ गॉट बी केयरफुल विद दैट, बट ये बहुत ज्यादा प्यारा है। बस तीन ही चीजें बाकी है, तो वी हैव दिस पैक ऑफ इरेजर्स। ये मम्मी ने पिक किया बिकॉज आई एम अ मशरूम फ्रीक। आई कैन ईट मशरूम सारे के सारे डिशेज में। मुझे मशरूम सूप बहुत पसंद है, मशरूम की सब्जी बहुत पसंद है, मैं ऐसे सॉल्टेड मशरूम्स भी खा सकती हूँ। तो शी वॉज लाइक, हिली इसमें मशरूम वाला इरेजर, एंड आई कुडन आइडेंटिफाई इट बिकॉज ये अंदर थोड़ा डिटैच हो गया है। वो मशरूम के इनर पार्ट जैसा होता है ना, ये वैसा ही है। सो दिस इज द स्टेम एंड यू कनेक्ट इट लाइक दिस एंड यू हैव योर ओन छोटू मशरूम। गिर गया और दो हिस्सों में बट भी गया। लेट मी शो यू द अदर इरेजर्स। पैक ऑफ थ्री था ये। ये तो मुझे ना एक रेड स्नोमैन लगता है। ऐसी कौन सी सब्जी होती है? टमाटर भी नहीं हो सकता बिकॉज यार तो ये अलग होना चाहिए था। सो दिस इज अ मिस्ट्री, ये कुछ अजीब ही है। एंड देन वी हैव दिस पॉड ऑफ ग्रीन पीस। इसमें तीन अलग अलग कलर के पीस है जो एक्चुअली निकलते भी है। ये वैनिटी के जैसे पड़ा होगा अपने पास, इसको यूज तुम कर नहीं सकते। इमेजिन एक यूज कर लिया तो बाकी दोनों अकेले हो जाएंगे। अच्छा लग रहा है ऐसा। ये सेट शायद 60 or 80 rupees का था पक्का। बिल तो क्या कैलकुलेशन करके को इतना टाइम लग गया कि एट द एंड वी वर जस्ट लाइक, भैया राउंड फिगर करके हमको जाने दो। इट टुक लाइक हाफ एन आवर टू कैलकुलेट आवर फाइनल अमाउंट यार, एंड इट वाज लाइक 40 degrees दैट डे। सेकंड लास्ट पे है ये कैमरा, बिकॉज आई लव टॉकिंग टू यू थ्रू द कैमरा। तो व्हेन वी सॉ द कैमरा इट वॉज अ मस्ट हैव। रिमेम्बर दोस्त ऐसा क्लिक वाले कैमरा जो प्रोजेक्टर के जैसे फिर अंदर भी देख सकते थे? दिस रिमाइंडेड मी ऑफ दैट, बट दिस इज नॉट दैट। दिस इज जस्ट अ शार्पनर, अगेन लॉन्ग टिप एंड शॉर्ट टिप शार्पनर, एंड दिस इज वेयर यू कैन थ्रो द कचरा फ्रॉम। इसमें और एलिमेंट्स हो सकते थे, आगे से भी कुछ कर सकते थे, बट नेवरदलेस द वाइब ऑफ दिस इज क्यूट। इट्स पिंक एंड पर्पल, एंड पीछे उन्होंने स्टिकर लगाया है ऑफ अ मॉकअप स्क्रीन ऑफ अ कैमरा, ऑफ अ मॉकअप बॉडी एक्चुअली, बिकॉज रिकॉर्ड बटन एंड जूम इन जूम आउट सब है इस पे। ये भी 30 rupees का ही था, और मे बी 50 rupees। लास्ट आइटम इज दिस पैक ऑफ लाइक आइसक्रीम पेंसिल्स, बिकॉज जस्ट लुक एट द इरेजर ऑन द टॉप। इट्स अ स्वर्ल ऑफ डिफरेंट मल्टी कलर स्प्रिंकलर्स टुगेदर। HB पेंसिल्स है ये, 12 पीसेस का सेट है एंड एक आइसक्रीम के साथ आया है। ये 120 rupees का है एंड 12 पेंसिल्स है, व्हिच मेक्स इट 10 rupees अ पेंसिल, एंड बहुत ज्यादा प्यारा है ये। खोलना तो है, बट ये वाली सीजर से उम्मीद रखना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा फॉर दिस। तो भी ट्राई करते हैं, नहीं ये ही टूट जाएंगे इसके चक्कर में। ये इरेजर रिमूवेबल नहीं था, ग्लू है नीचे, मैंने खींच के निकाल दिया, पर ये बहुत क्यूट है। स्कूल में अगर कोई लेके जाएगा ना, ये बहुत जल्दी चोरी हो सकती है। सो इट्स बेटर यू कीप इट इन योर ऑफिस एंड यूज इट फॉर योर सेल्फ एंड नॉट फॉर योर किड्स, बट कुडंट रेजिस्ट दिस, आई लव दिस। एंड बोनस आइटम, यू विल हैव वन बिग क्वेश्चन, really why do you need a piggy bank at this age? Fun fact, mere dadaji abhi bhi mujhe pocket money dete hai every single month, and I keep it safe in my piggy bank, I don't use it. So mera current piggy bank touchwood bharne aaya, all from his blessings. So I thought let's get a new one, and jab Winnie the Pooh wala dekh liya, there had to be no other option. Ye 250 rupees ka tha, एंड आई एम ग्लैड कि ओरिजिनल कलर्स एंड ओरिजिनल फेस है। बहुत बार कार्टून की रेप्लिका करते वक्त ना कुछ अलग ही कर देता है, बट दिस लुक्स वेरी लेजिट एंड इट कम्स विद अ लॉक एंड की। वो एक ही आइटम है जो 99 के अंदर नहीं आती टेक्निकली, बट वो वैसे भी बोनस आइटम। बट दिस वॉज मी लुकिंग फॉर द लाइक मोस्ट क्यूट एंड अलग हटके स्टेशनरी अंडर द 100 rupees का नोट। सो इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर और स्टेशनरी हॉल्स चाहिए तो ये एक नंबर चेंज करना पड़ेगा कि 60% लोग बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं। बोलो, एक तो फ्री है फिर भी नहीं करना, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और सब फैमिली मेंबर्स से करवाओ। एंड अगर वीडियो देखने में मजा नहीं आया तो यू कैन गिव अ थम्स अप, मजा आया तो थम्स अप दे देना। आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून। अंटिल देन, गुड बाय।